तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे सेटअप बिल्ड पार्ट टू में। आज के इस वीडियो में यहां पर फ्रेंड्स हम बनाएंगे अपने पूरे सेटअप को और 100% हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाने वाला है। और अभी यहां पर फ्रेंड्स जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, सेटअप बिल्ड होने के बाद रिकॉर्ड हो रही है। तो देख सकते हो लाइटिंग की कंडीशन, बैकग्राउंड एकदम तगड़े तरीके से फ्रेंड्स हमारा पूरा सेटअप बन चुका है। और इस सेटअप को आप किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। और सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे सॉफ्ट लाइट बॉक्स, और इसका भी एकदम यूनिक सा आइडिया रहने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा सॉफ्ट बॉक्स है ना, वो एसी डीसी दोनों के ऊपर वर्क करेगा। और एक सॉफ्ट लाइट बॉक्स रहेगा 36 वॉट का, जिससे इसकी जो ब्राइटनेस है ना, वो भी आपको काफ़ी तगड़ी वाली देखने को मिल जाने वाली है। तो इस सभी को किस तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स, वो देखने के लिए वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस सॉफ्ट बॉक्स लाइट को बनाने के लिए हम यूज़ में लेंगे MDF बोर्ड का, जिसकी फ्रेंड्स थिकनेस है 2 mm की। और इसमें से हमने कुछ इस तरीके के 8 पीस कटिंग कर लिया हूँ, जिसकी फ्रेंड्स लंबाई है 15 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 8 इंच। कुछ इस मेजरमेंट के आपको पीस कटिंग कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये सॉफ्ट बॉक्स में बना रहा हूँ ना, अपने स्टूडियो के साइज के हिसाब से बना रहा हूँ। आप चाहे तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और इसी साइज का आप बनाना चाहते हो तो सभी मेजरमेंट ध्यान से फॉलो करिएगा। अभी यहाँ पर मैंने दोनों साइड 3.5-3 इंच का गैप रख के मार्किंग कर दिया है। और ऊपर के कॉर्नर साइड से हमने 2 सीधी लाइन खींच दी है, जिससे फ्रेंड्स हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स का स्ट्रक्चर यानी कि फ्रेम है ना, वो बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग करते हो ना, तो ऊपर की साइड बचेगा हमारा 15 इंच और नीचे की साइड रहेगा 8 इंच। ये बेस्ट मेजरमेंट है फ्रेंड्स सॉफ्ट बॉक्स के लिए। अब इसी हिसाब से जो हमारी बाकी की MDF शीट बची है ना, उसके ऊपर भी मार्किंग कर लेंगे। और दोनों साइड जो ये त्रिकोणाकार पार्ट है ना, उसे हम एक्सो ब्लेड की मदद से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं जल्दी से कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स लाइट है ना, उसका एक पीस कटिंग हो चुका है। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारी बाकी की MDF की सीट है ना, उसे भी हमें कटिंग करना है सेम साइज में ही फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें इसे कटिंग करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारे सभी MDF की सीट है ना, वो कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसे ऐसे ही नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो लाइट है बढ़िया से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा किचन में यूज़ होने वाली एल्यूमिनियम फॉइल का। ये आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगी, और इसे हमें सभी MDF की सीट के ऊपर लगा देना है। और इसे चिपकाने के लिए मैं यूज करूंगा फेविकोल का। यहाँ पर फ्रेंड्स एल्यूमिनियम फॉइल लगाने का फायदा ये होगा कि यहाँ पर जो हमारी पूरी लाइटिंग है ना, वो अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी और हमारा सॉफ्ट बॉक्स का जो ब्राइटनेस है हमें ज्यादा मिलेगा। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल सॉफ्ट लाइट बॉक्स नहीं है फ्रेंड्स, ये एकदम यूनिक सा आइडिया है जो AC वोल्टेज के ऊपर भी वर्क करेगा और DC वोल्टेज के ऊपर भी वर्क करेगा। यानी कि आपके घर में लाइट होगी तब भी आप इसे चला सकेंगे, और लाइट ना हो तब भी आप इसे चला सकेंगे। और फ्रेंड्स इसकी ब्राइटनेस AC सॉफ्ट बॉक्स से भी ज़्यादा रहने वाली है। तो इसे किस तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स, वो देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और मैं आपको जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप फॉलो करते जाएगा। तो यहाँ पर एक के ऊपर हमने एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी है, इसी तरीके से बाकी की सीट के ऊपर भी हम एल्यूमिनियम फॉइल को लगा देंगे। तो सभी पीस के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लग जाने के बाद अब इस सभी पीस को एक साथ फिक्स करना है। तो इसका एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक पीस को टेबल के ऊपर रख देना है, दूसरे पीस को इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रखना है फ्रेंड्स। इसमें जो ऊपर का बड़ा वाला पार्ट है ना, वो ही 90 डिग्री के एंगल पर रहेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे लगाना है। और इसे चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं ग्लूगन का यूज़ कर रहा हूँ, और इसे आपको थोड़ा थोड़ा ही चिपकाना है, एकदम फ्रेंड्स फिक्स नहीं कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें बाद में इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना होना तो इजी रहेगा। तो कुछ इसी तरीके से बाकी के सभी पीस को आपको ग्लूगन की मदद से चिपका देना है। तो चलिए जल्दी से इसे चिपका देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा फ्रेम है ना, बढ़िया से बन चुका है। एक बार चारों पीस चिपक जाए ना, उसके बाद आपको ग्लूगन को अच्छे से लगा देना है, जिससे हमारा पूरा फ्रेम मजबूती के साथ फिक्स हो जाएगा। देख सकते हो फ्रेंड्स अब ये बिल्कुल भी टूटने नहीं वाला। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने फ्रेम बनाया ना, उसके बीच में जो स्क्वायर है उसका साइज सेम है, यानी कि लंबाई चौड़ाई सेम है 8 इंच। तो अब यहाँ पर हमें 8x8 का 2 स्क्वायर पीस कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 सॉफ्ट बॉक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने 8x8 का स्क्वायर बनाया ना, उसके ऊपर हमें और भी कुछ मार्किंग करके कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालना बहुत ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स, चारों कॉर्नर को आपको एक साथ मिला देना है। तो यहाँ पर आपको इसका सेंटर बहुत ईजिली मिल जाएगा।
अब यहाँ पर इसके सेंटर में 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या रख के एक राउंडर की मदद से राउंड शेप बना लेना है। ये सभी मार्किंग हम क्यों कर रहे हो मैं आपको वीडियो में आगे बता रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पर जो हमने राउंड शेप मार्किंग किया ना उसके नीचे की साइड यहाँ पर आपको दो छोटे छोटे स्क्वेयर मार्क कर लेने हैं और जो राउंड शेप है ना उसके ऊपर की साइड आपको एक छोटा सा राउंड शेप मार्किंग कर लेना है। अब जो हमने सभी मार्किंग की ना उस सेंटर को आपको कटिंग कर लेना है, तो चलिए मैं जल्दी से इसे कटिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लाइटिंग के लिए यूज़ करेंगे 12 वोल्ट और 9 वोल्ट की MCPCB का। ये MCPCB आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, डिफरेंट क्वालिटी की भी आती है फ्रेंड्स, लेकिन आपको बेस्ट क्वालिटी का MCPCB ही यूज़ करना है। अब आपको इस MCPCB को ऐसे नहीं लगाना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो LED बल्ब में हैवी एल्यूमिनियम की टिकी होती है ना उसका यूज़ करना है और इसके ऊपर आपको थर्मल पेस्ट लगा के ही इस MCPCB को इसके ऊपर लगाना है, जिससे फ्रेंड्स पूरी हीट है ना वो एल्यूमिनियम की टिक्की के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी और हमारी MCPCB लंबे टाइम तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने MCPCB को लगा दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो सभी टिक्की और MCPCB है उसे भी हम लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमें टोटल 6 MCPCB की जरूरत पड़ेगी। एक सॉफ्ट बॉक्स में लगेगा फ्रेंड्स हमारा 3 MCPCB, टोटल हमारे 36 वोल्ट का एक सॉफ्ट बॉक्स बनने वाला है जो AC DC दोनों के ऊपर वर्क करेगा। अब जो हमने फ्रेंड्स कटिंग की है ना उसके ऊपर आपको इस MCPCB को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना है, इस तरह से त्रिकोणाकार जिस तरह से हमारा पंखा होता है ना उसी तरीके से यहाँ पर आपको लगाना है। लगाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्क्रू का और आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ी सी फेविक्विक भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स फेविक्विक की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ये स्क्रू की मदद से ही अच्छे से टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जरूरत पड़ेगी 2 मिनी रोकर स्विच की। यहाँ मैं दोनों डिफरेंट कलर के रोकर स्विच का यूज़ करूँगा जिसमें एक है ब्लैक और रेड और दूसरा है हमारा रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन। अब दोनों मिनी रोकर स्विच को जो हमने 8x8 का स्क्वायर शेप कटिंग किया था उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देना है। नीचे की साइड फ्रेंड्स हमारे स्विच लग गए। अब ऊपर की साइड जो हमने छोटा सा छेद किया था ना यहाँ पर लगेगा 12 वोल्ट बैरल जैक यानी कि DC जैक जहाँ से हमारे पूरे सॉफ्ट बॉक्स को पावर सप्लाई मिलेगी। अब यहाँ पर हमने इसके बीच में 2.5 सेंटीमीटर का राउंड शेप कटिंग क्यों किया उसके बारे में बताऊँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो 3 MCPCB लगी है। इसके साथ हमने ऑलरेडी 3 टिकिया तो लगा दी है, लेकिन इसकी सेफ्टी बढ़ जाए इसलिए यहाँ पर लगाएंगे एक एग्जॉस्ट फैन। यहाँ पर मैं यूज करूंगा 12 वोल्ट का फैन और इस फैन को हम लगाएंगे सॉफ्ट बॉक्स के पीछे की साइड कुछ इस तरीके से, जिससे फ्रेंड्स फायदा क्या होगा कि यहाँ पर जैसे जैसे हमारी MCPCB टिकी को हीटिंग करती जाएगी उस तरीके से यहाँ पर जो ये एग्जॉस्ट फैन है पूरी हीटिंग बाहर निकालता जाएगा, जिससे हमारी जो MCPCB है ना कभी भी खराब नहीं होगी। यहाँ पर इसे चिपकाने के लिए सिंपली मैं यूज करूंगा ग्लू गन का। चारों साइड आपको थोड़ी थोड़ी ग्लू गन लगा देनी है और इस एग्जॉस्ट फैन को कुछ इस तरीके से लगा देना है और यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी जो हवा है ना वो बाहर की साइड निकले इस तरीके से आपको लगाना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कनेक्शन, वो किस तरह से करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जो ये तीनों MCPCB है ना उसके माइनस पॉइंट यानी कि नेगेटिव पॉइंट को आपको कॉमन कर देना है, यानी कि सभी MCPCB के नेगेटिव पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो हमने तीनों MCPCB के माइनस पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करके कॉमन नेगेटिव पॉइंट बना लिया, उसे और जो फैन का नेगेटिव पॉइंट है उसे आपको एक साथ जोड़ देना है और इसे आपको सीधे ही कनेक्ट कर देना है DC बैरल जैक के माइनस पॉइंट के साथ। अब यहाँ पर इतना कनेक्शन हो जाने के बाद जो हमने दोनों मिनी रोकर स्विच लगाए है ना उसके ऊपर के पॉइंट को आपको एक साथ कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर सभी पॉजिटिव कनेक्शन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा रेड वायर जिससे आपको समझने में आसानी रहे। अब जो हमने ऊपर की दो MCPCB लगाई ना उसके पॉजिटिव पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करके कॉमन पॉजिटिव पॉइंट बना लेना है और एक्स्ट्रा वायर आपको कट कर देना है। अब जो दो MCPCB का पॉजिटिव पॉइंट हमारा एग्जॉस्ट फैन का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसे एक साथ जोड़ के जो हमारा फ्रेंड्स व्हाइट कलर का स्विच है उसके दूसरे पॉइंट के साथ आपको सोल्डरिंग कर देना है। अब फिर से एक रेड वायर का टुकड़ा लेंगे और इसके एक पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे नीचे वाली MCPCB के पॉजिटिव पॉइंट के साथ और दूसरे पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे ब्लैक स्विच के दूसरे पॉइंट के साथ। आई थिंक फ्रेंड्स आपको सभी कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, सभी नेगेटिव को एक साथ, ऊपर की दो MCPCB के पॉजिटिव और फैन के पॉजिटिव को व्हाइट स्विच के साथ और नीचे की MCPCB के पॉजिटिव को आपको ब्लैक स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमने जो DC सॉकेट लगाया ना उसके पॉजिटिव पॉइंट को आपको कनेक्ट कर देना है जो हमारी ब्लैक स्विच और व्हाइट स्विच के जो हमने दोनों पॉइंट कॉमन किए ना उसके साथ, जिससे हमारा जो पूरा सॉफ्ट बॉक्स है ना उसको पॉजिटिव इनपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर सभी कनेक्शन हो चुके हैं, तो चलिए एक बार मैं आपको इसे थोड़ा सा बैटरी लगा के टेस्ट कराता हूँ ये किस तरह से फ्रेंड्स वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने ये ब्लैक स्विच लगाई ना उसे आप जब ऑन करोगे ना तो ऊपर की साइड की एक ही MCPCB ऑन होगी, यानी कि जब आपको कम रोशनी की जरूरत हो तब यहाँ पर आपको ब्लैक स्विच को ऑन करना है जिससे आपको 9 वोल्ट की ब्राइटनेस मिलने वाली है।
अब जो यहाँ पर हमने व्हाइट स्विच लगाए ना, उसे आप जब ऑन करते हो ना तो नीचे साइड की दोनों एमसीबी से भी ऑन हो जाएगी और उसके साथ साथ जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है वो भी ऑन हो जाएगा, जिससे दो एमसीबी से भी हीटिंग ज्यादा रहेगी तो ये पूरा हीटिंग बाहर निकल देगा। और जब यहाँ पर आपको ज्यादा रोशनी की जरूरत हो तो दोनों स्विच को आपको एक ही साथ ऑन कर देना है तो 36 वॉट की ब्राइटनेस आपको मिलने लगेगी। तो अब यहाँ पर जो हमने एमसीपीसीबी और लाइटिंग का पूरा कनेक्शन किया, उस वाले एमडीएफ पार्ट को हमने जो ये सॉफ्ट बॉक्स की फ्रेम बनाई उसके ऊपर उल्टा करके कुछ इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पर भी सिंपल फ्रेम से चिपकाने के लिए मैं यूज करूंगा ग्लू गन, तो चलिए जल्दी से इसे फिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स है ना एकदम बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इस सॉफ्ट बॉक्स को लगाएंगे हम फ्रेम के इस साइड कुछ इस तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा जो ये बॉक्स है ना वो ऐसे तो लगने वाला नहीं, इसलिए यहाँ पर हमें एक छोटा सा स्टैंड टाइप का जुगाड़ बनाना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर स्टैंड को बनाने के लिए हम यूज करेंगे पीवीसी पाइप का, जिसमें एक पाइप लिया है मैंने 32 mm का और दूसरा पाइप लिया है मैंने 1/2 inch का। अब इस दोनों पाइप में से आपको 3-3 inch के पीस कटिंग करके उसे कुछ इस तरीके से एक साथ जोड़ देना है, जिसमें हमारा बड़ा पाइप लग जाएगा सीधा हमारे लाइटिंग फ्रेम के साथ और छोटा पाइप लग जाएगा हमारे सॉफ्ट बॉक्स के साथ। अब यहाँ पर इस पाइप को सॉफ्ट बॉक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा 90° के मेटल क्लैंप का, और इस मेटल क्लैंप को हम सॉफ्ट बॉक्स के बीच सेंटर में कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर इसे लगाने के लिए मैंने एमडीएफ के ऊपर ड्रिल की मदद से छेद करके नट और स्क्रू की मदद से इसे अच्छे से लगा दिया हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स, दोनों क्लैंप है ना उसके बीच में आपको बस इतना ही गैप रखना है जितना हमारा जो ये छोटा वाला पाइप था ना 1/2 inch वाला, वो इसके अंदर टाइटली फिक्स हो, उससे ज्यादा यहाँ पर आपको गैप नहीं रखना है। अब यहाँ पर जो हमने ये जुगाड़ स्टैंड टाइप का बनाया उसे आपको कुछ इस तरीके से लगा के यहाँ पर भी नट और स्क्रू की मदद से इसे कस देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बढ़िया से फिक्स हो चुका है और इस पूरे स्टैंड को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए इसलिए यहाँ पर मैंने पीछे की साइड एक मेटल का तार लगा दिया है, जिससे इसका जो एंगल है वो चेंज ना हो। जब इसका आपको एंगल चेंज करना हो तब इसे थोड़ा सा लूज कर देना है और एंगल को सेट करके इसे फिर से टाइट कर देना है, जिससे इजीली इसका जो एंगल है वो आप चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स है ना वो स्टैंड के ऊपर यानी कि फ्रेम के ऊपर लग चुका है। और यहाँ पर इसका स्टैंड मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है फ्रेंड्स कि जिसे आप इस तरह से जैसे चाहे ना उस तरीके से खिसका सके। यानी कई बार फ्रेंड्स हमें सेंटर में लाइटिंग की जरूरत हो तो कुछ इस तरीके से हम स्टैंड को लगाएंगे तो यहाँ पर सभी लाइटिंग सेंटर में हमें मिलेगी, और जैसे हमें आगे की साइड लाइटिंग की जरूरत हो तो हम सॉफ्ट बॉक्स को कुछ इस तरीके से खिसका देंगे जैसे लाइटिंग आगे की साइड मिले। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा सॉफ्ट बॉक्स 100% बन के रेडी हो चुका है। अब सिर्फ इसमें कपड़ा लगाना ही बाकी रह गया है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम दूसरी साइड भी दूसरा सॉफ्ट बॉक्स बनाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स उसका मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा क्योंकि सेम इसी तरीके से हम उसे बनाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से मैं उसे बना लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो इसका कनेक्शन है ना वो मैं आपको आगे बताऊं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, हम वायरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि पूरा वायरिंग पाइप के अंदर ही रहेगा, कम से कम वायर बाहर दिखे। तो अब यहाँ पर जो ऊपर की फ्रेम का जो पाइप है ना उसके दोनों साइड मैंने 7-7 inch का मार्किंग कर दिया है, और यहाँ पर आपको ड्रिल की मदद से होल कर लेने हैं। इस होल से फ्रेंड्स हमारे जो वायर है वो बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर मैं वायर के लिए यूज करूंगा इस पतले वाले ब्लैक और रेड वायर का, जो फ्रेंड्स प्योर कॉपर में रहने वाला है। अब लाइटिंग फ्रेम की जो पाइप थी फ्रेंड्स उसमें हमने दोनों साइड छेद किए थे, यहाँ से आपको इस वायर को बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जरूरत पड़ेगी दो मेल कनेक्टर की, जिसमें एक मेल कनेक्टर को आपको लगा देना है राइट वाले सॉफ्ट बॉक्स के वायर के साथ, और जो दूसरा फ्रेंड्स वायर है ना उसके साथ आपको एक्स्ट्रा वायर को कनेक्ट करके इसके साथ भी एक मेल कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। सिंपल कनेक्शन बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दोनों सॉफ्ट बॉक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज के वायर को भी कनेक्ट कर दिया। आई होप यहाँ पर आपको इसका कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं सभी कनेक्शन हो जाने के बाद मैंने दोनों सॉफ्ट बॉक्स को फ्रेम के साथ जोड़ दिया है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसका कनेक्शन फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा एक ही मोटिव रहता है कि मैं जो भी चीज़ या प्रोजेक्ट बनाऊँ ना वो आप भी इजीली बना सके, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए एक बार मैं आपको इसका कनेक्शन फिर से दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने कनेक्शन किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो हमारा ये सॉफ्ट बॉक्स है ना उसके साथ यहाँ पर हमने मेल कनेक्टर लगा के दो वायर को कुछ इस तरीके से जोड़ के यहाँ पर पाइप के माध्यम से सीधे ही इस सॉफ्ट बॉक्स के इस छेद से बाहर निकाल लिए हैं, और यहाँ पर हमने एक मेल कनेक्टर लगा दिया है जो फ्रेंड्स सीधा कनेक्ट है इस वाले सॉफ्ट बॉक्स के साथ। अब इसी मेल कनेक्टर से हमने दो वायर को निकाल के इस पाइप के माध्यम से सीधे ही नीचे की साइड लेके आए हैं, और यहाँ पर भी हमने दो वायर निकाल दिए हैं, और इसके साथ फ्रेंड्स हमने एक मेल कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है जो रहेगा हमारा मेन इनपुट कनेक्टर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, लाइट को पावर सप्लाई देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 12 वोल्ट और 3 एम्पियर का एडेप्टर। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं मार्केट से 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडेप्टर लेके आया था, लेकिन मैंने घर आके चेक किया ना
तो ये तो 12 वोल्ट 1 एम्पियर का ही निकला। तो इससे तो फ्रेंड्स हमारी जो एलईडी है ना उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बना ली है लिथियमाइट बैटरी। यह है 12 वोल्ट 4 एएच की लिथियमाइट बैटरी जिसकी मदद से हमारा पूरा लाइटिंग सिस्टम वर्क करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको पहले से बताया था कि हम इस सॉफ्ट बॉक्स लाइट को एसी और डीसी दोनों के ऊपर चला सकेंगे। ये बैटरी आपको इजीली बैकअप दे देगी फ्रेंड्स 3 से 4 आवर्स का, यानी कि फ्रेंड्स जब भी आपके घर में लाइट हो तो इस तरह का 3 एम्पियर का एडेप्टर लगा के आप इस सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, और लाइट ना हो तो इस तरह की लिथियमाइट बैटरी या लीड एसिड बैटरी की मदद से पूरे लाइटिंग सिस्टम को चला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग करा के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस मेल कनेक्टर को सीधे ही बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। तो चलिए अब जल्दी से इसकी लाइटिंग की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने स्टूडियो की सभी लाइट को ऑफ कर दिया है, तो देख सकते हो रोशनी है ना वो एकदम ना के बराबर है। तो चलिए अब लाइट को ऑन करते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स जो लाइटिंग है कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और इतनी ब्राइटनेस फ्रेंड्स आपको ट्यूबलाइट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि फ्रेंड्स जो ट्यूबलाइट है ना उसकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा शार्प रहती है जो कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाती। लेकिन फ्रेंड्स सॉफ्ट बॉक्स की खासियत ये है कि इसकी मदद से आप छोटी से छोटी जो डिटेल है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से देख सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर मैं इस एडेप्टर को कितना ज़्यादा पास लेके आ रहा हूँ, फिर भी जो सभी डिटेल है ना वो आपको एकदम क्लियर देखने को मिल जाएगी। और अभी फ्रेंड्स जो हमारा पूरा सॉफ्ट बॉक्स है ना वो इस छोटी सी लिथियमाइट बैटरी की मदद से ही चल रहा है, यानी कि आपके घर में लाइट ना होना तब भी आप इसका यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो लाइटिंग का काम है ना 100% कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये दोनों सॉफ्ट बॉक्स कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स आगे की वीडियो बनाने में। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सेकंड काम है बैकग्राउंड बनाना। बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि सेटअप के लिए भी चले जाएगा और फेस कैम वीडियो के लिए भी। तो बैकग्राउंड किस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो स्टैंड है उसे बनाना होगा। स्टैंड बनाने के लिए सेम जो बिजली फिटिंग का पाइप है ना उसी का यूज करेंगे, और इसमें 58 इंच के ऊपर मार्किंग करके इस तरह से सेम दो पीस कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों पीस को मैं कटिंग कर लिया हूँ। तो चलिए अब इसका जो डिजाइन है ना थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। अब यहाँ पर हमने ऊपर नीचे वाले पाइप कटिंग की, अब साइडों के लिए कुछ इस तरीके से मैंने मेजरमेंट किया है, जिसमें नीचे वाला पार्ट रहेगा 23 इंच और ऊपर का रहेगा 44 इंच। इसी तरीके से सेम इसी साइड भी रहने वाला है, तो उस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो बेस है ना वो रहेगा 17-17 इंच का। तो इसी मेजरमेंट का फ्रेंड्स मैं सभी पीस कटिंग कर लेता हूँ, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हैं। अब ऊपर की साइड जो स्क्वायर बने गए ना उसके साइडों के लिए हमें 44 इंच के दो पीस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर 44 इंच के दो पीस कटिंग कर लेंगे। अब स्टैंड का जो बेस है ना उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी 23 इंच के दो पीस की, और टोटल 17 इंच के हमें चार पीस की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर आप जिस तरह से डायग्राम में देख सकते हो ना उसी तरीके से सभी पीस को एक साथ जोड़ के एक स्टैंड बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इसे मैं जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड का फ्रेम है एकदम बनके रेडी हो चुका है, और यहाँ पर मैंने इसका असेंबल का वीडियो आपको नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको डायग्राम की मदद से इसे समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इस फ्रेम के ऊपर लगाएंगे इस ब्लैक कलर के कपड़े को, तो चलिए मैं जल्दी से इस कपड़े को इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड की फ्रेम थी ना उसके ऊपर मैंने ब्लैक कपड़ा लगा दिया है, और यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड एकदम बनकर रेडी हो चुका है। और देख सकते हो फ्रेंड्स ये दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट काम है हमारा टेबल। टेबल के ऊपर फ्रेंड्स आज तक हम यूज करते थे इस तरह के व्हाइट कलर के चार्ट पेपर का, जो फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी खराब हो जाता था और उसे हमें बार बार चेंज करना पड़ता था। लेकिन आज यहाँ पर मैं टेबल के लिए भी एक शानदार सा चीज लेके आया हूँ जो टेबल के ऊपर हम लगा सकेंगे। चलिए फ्रेंड्स वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो टेबल के ऊपर लगाने के लिए मैं लेके आया हूँ ये ग्रे कलर का प्लास्टिक लेदर। फ्रेंड्स हमारी जो बाइक का सीट कवर होता है ना उसके ऊपर ये वाला लेदर यूज होता है, बहुत ज़्यादा हैवी रहता है फ्रेंड्स, जल्दी खराब नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमें इसे बार बार चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स ये 1 मीटर का रोल है, मुझे करीब 200 रुपये में पड़ा था। तो चलिए जल्दी से इसे पूरे टेबल के ऊपर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस टेबल के ऊपर मैंने लेदर को बढ़िया से लगा दिया है, और अब हमारा टेबल दिखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले जो हम चार्ट पेपर लगाते थे और खराब हो जाने के बाद उसे हमें चेंज करना पड़ता था, अब वो पूरी झंझट खत्म हो चुकी है। और फ्रेंड्स मार्केट में कई सारे इसके कलर रहते थे लेकिन मुझे एक ग्रे कलर पसंद आया था, क्योंकि फ्रेंड्स ये व्हाइट के साथ भी अच्छे से दिखता है और ब्लैक के साथ भी अच्छे से दिखता है, यानी कि सभी प्रोजेक्ट के साथ ये सूटेबल रहने वाला है। तो आपको ये ग्रे कलर कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको पूरा जो सेटअप है ना उसे एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स फाइनली यहां पर जो हमारा पूरा सेटअप है बनके रेडी हो चुका है। इस सेटअप को बनाने में फ्रेंड्स 3 से 4 वीक का टाइम लगा है और बहुत ज्यादा मेहनत भी लग चुकी है। तो प्लीज वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और अब यहाँ पर हमारा सेटअप बन चुका है तो आगे की सभी वीडियो बहुत ही तगड़ी तगड़ी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल पे आप नए हो तो यहाँ पर फ्रेंड्स सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा के बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा पूरा स्टूडियो है ना, इस छोटी सी बैटरी की मदद से चल रहा है, यानी कि अब फ्रेंड्स लाइट जाने की हमें कोई भी टेंशन नहीं है। लाइट की वजह से हमें कभी भी वीडियो में देरी नहीं होने वाली। तो चलिए फ्रेंड्स आज की अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के